तो यार एक टाइम था जब वायर्ड ईयरफोन्स का जमाना था, और आप सबको भी याद होगा यार आज से 7-8 साल पहले तक वायर्ड ईयरफोन्स में स्पेशली सैमसंग का वायर्ड ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। वाइट कलर वाला जो आता नहीं था, जिसमें जो माउथ के पास आपके मुंह के पास है जो माइक होता था, कॉल क्वालिटी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती थी उसमें, और 150 से 200 रुपये में आ जाता था। फिर टाइम के साथ धीरे से एंट्री होती है वायरलेस हेडफोन्स की, कुछ इस तरह के वायरलेस हेडफोन्स होते थे और ये काफ़ी टाइम चले। लेकिन उसके बाद ट्रेंड में आ जाते हैं नेक बैंड, ब्लूटूथ नेक बैंड कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते थे, जो काफ़ी लाइट वेट होते थे और ईजिली कैरी होता था, आप गले में ईजिली डालकर इसको यूज़ कर सकते थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। उसके बाद धीरे से एंट्री होती है TWS ईयरबड्स की, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ईयरबड्स देखने को मिलते थे, जहाँ पे एक स्टेम शेप वाला होता था, ये जैसे है नॉन स्टेम वाला छोटा सा होता है, और दूसरा होता है स्टेम शेप वाला जो ये लंबी सी डंडी से आपको दिखती है। तो ये ट्रेंड में आए काफ़ी, और उसके बाद हुआ गेम चेंज। लेकिन साउंड क्वालिटी में TWS ईयरबड्स कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे कॉल क्वालिटी और बैटरी लाइफ की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इनको TWS को नेक बैंड को रिप्लेस करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज 2024 के अंदर क्या TWS ईयरबड्स आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है नेक बैंड के कंपैरिजन में, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको फुल डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आपके प्रेफरेंस आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है, नेक बैंड लेना है या TWS ईयरबड लेना है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो, आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, तो बने रहिए वीडियो पे, तुरंत वापस आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आप अपने लिए एक परफेक्ट ईयरबड, TWS ईयरबड या नेक बैंड चूज कर पाओगे। तो पहला पॉइंट ये है कंफर्टेबिलिटी की, कि नेक बैंड ज्यादा कंफर्टेबल है या TWS। दूसरा पॉइंट, कौन सा कन्वीनियंट है, यानी कि डे टू डे लाइफ में आपके लिए कौन सा ज्यादा इजी टू यूज होगा। तीसरी बात करेंगे, कॉल क्वालिटी किसमें ज्यादा अच्छी मिलती है, TWS में या नेक बैंड्स में, किसमें ज्यादा अच्छी मिलती है। चौथा पॉइंट, बैटरी किसकी अच्छी है। और पांचवा पॉइंट, जहां पे साउंड क्वालिटी की बात करेंगे, TWS ईयरबड्स या नेक बैंड में साउंड क्वालिटी किसमें अच्छी मिलती है। और सिक्स पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी कौन सा होगा आपको लेने के लिए, यानी कि नेक बैंड लेना ज्यादा बेटर है कम बजट में या TWS ईयरबड्स। प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे दोनों ही नेक बैंड और TWS ईयरबड्स के। फिर हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की, जहां पे आप इजिली समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है, नेक बैंड या TWS ईयरबड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कंफर्टेबल की, तो यहां पे जो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई कोई भी नेक बैंड या TWS ईयरबड जो भी होते हैं वो डिपेंड करता है उनकी फिटिंग आपके ईयर यानी आपके कान के साइज पे। कुछ होते हैं जिनके कान छोटे हैं या ज्यादा बड़े हैं, तो किसी के ढीला हो रहा है, किसी के टाइट हो रहा है, टाइट होने पे स्पेशली सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई इरिटेशन होती है, तो वो सब इश्यूज होते हैं। लेकिन आज के टाइम में 2024 में जो हम देख रहे हैं कि भाई जितने भी नेक बैंड या TWS ईयरबड्स आ रहे हैं वो 95% ऐसे हैं जो इजिली कान में सभी के फिट हो जाते हैं, ईयर टिप्स वगैरह भी अच्छे से मिलती है और जो ईयरबड्स का साइज है वो भी अच्छा होता है, तो यार इजिली फिट हो जाते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम TWS ईयरबड्स की, तो यहां पे दो तरह के ईयरबड्स आते हैं, आपको ये नोटिस करके रखना है जो मैंने अभी पहले बताया कि एक स्टेम शेप वाला जिसमें ये डंडी होती है ये देखना है आपको, दूसरा होता है छोटू सा जो होता है नेक बैंड TWS ईयरबड्स, जो इन ईयरबड्स होते हैं ये कान के अंदर पूरे ऐसे घुस जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि भाई जो कान के अंदर पूरा घुस जाता है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि हो सकता है आपके कान से ढीला हो जाए या यहाँ पे डर भी होता है कि भाई गिर सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ये TWS ईयरबड जिसमें ये स्टेम शेप के होते हैं, तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि भाई जब कान में आप लगाते हो ना, तो ये पूरा है जो फिट हो जाता है, आपके कान में फंस आ जाता है, तो ये निकलता नहीं है जल्दी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, दोनों में डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कौन सा ज़्यादा फिट हो रहा है, आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है आपके कानों में। तो यहाँ पे दोनों ही विनर निकलते हैं, दोनों में ही कंफर्टेबिलिटी के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कन्वीनियंट की, डे टू डे लाइफ में आपके लिए कौन सा इजी टू यूज होगा। तो यार अगर हम नेक बैंड की बात करें, तो जैसे आपने इसे गले में डाल रखा है तो इजी टू यूज है, जब आपको मन हुआ आपने इसे ओपन किया और आपने कान में लगाया यूज किया, और जब यूज नहीं करना है तो इजिली आप इनको निकाल सकते हो और ये आपस में अटैच हो जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक आने लगा है आज के टाइम में और आपके गले में ऐसे पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और जब फिर वापस यूज करना है वापस से लगा लो, तो इजी है, बहुत जल्दी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पर TWS की बात करें तो TWS में आपको केस मिलता है, केस के साथ यूज करना होता है, ईयरबड्स को निकालोगे फिर कान में लगाओगे, और जब यूज नहीं करना है तो आपको केस रखना होगा, केस को वापस से केस में डालना होगा बंद करके, फिर आपको अपने पॉकेट में रख लेना होगा। तो ये चीजें हैं, और उसमें कुछ ईयरबड जो ऐसे आते हैं छोटू वाले जो मैं बोल रहा था, इन ईयरबड्स इनमें डर भी होता है गिरने का भी, यहां पे नेक बैंड गिरने का कोई चांस ही नहीं, आपके गले में एकदम नेकलेस की तरह इसे फंसा रहता है। तो ये चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर कि भाई आपको क्या ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है, क्या प्रेफरेंस आपका है, और किसे आप डे टू डे लाइफ में इजिली यूज कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ही आप यूज कर सकते हो, दोनों में ही कॉम्पैक्ट साइज होता है,
होता है ये TWS ईयरबड्स, यहाँ पे नेक बैंड होता है जो आपके गले में पड़ा रहता है। और अगर आपको कॉल रिसीव करनी है या सॉन्ग को प्ले पॉज करना है तो यहाँ पे नेक बैंड काफी ज्यादा इजी होता है, जहाँ पे जो आपको यहाँ पे फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं, प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे चांसेस नहीं है मिस टचिंग के क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बटन मिलती है। वहीं पर अगर मैं TWS की बात करूँ तो यहाँ पे टच सेंसिटिव होता है, फिजिकल बटन नहीं होता है, तो यहाँ पे टच करने पे कभी कभी मिस टच हो जाता है क्योंकि यार सेंसिटिव पूरा स्टेम नहीं होगा, पूरा एरिया सेंसिटिव नहीं होता, कहीं पे होता है एक जगह पे, तो वहाँ पे अगर टच नहीं होता है एक बार में तो यार काम नहीं करता है। तो ये थोड़े बहुत है जो हर्डल्स होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं TWS ईयरबड्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो तो दोनों ही ईजी टू यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रियोरिटी आपको सेट करनी है कि आपको क्या प्रीफरेंस आपको रखना है, क्या आपको चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है कॉल क्वालिटी, किसमें आपको कॉल क्वालिटी अच्छी मिलेगी, TWS ईयरबड में या नेक बैंड में। तो यार TWS की बात करें तो यार यहाँ पे जो कॉल क्वालिटी को लेकर काफ़ी इंप्रूवमेंट की जा रही है, अभी भी हो रही है, और अभी 2024 में देखा जाए तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। लेकिन नेक बैंड जो थे वो पहले से ही कॉल क्वालिटी अच्छी दे रहे थे, इस अगर हम कंपैरिजन करते हैं TWS ईयरबड से। मार्केट प्लेसेस में अगर आप जाते हो TWS को यूज करते हो तो यार मार्केट प्लेस में शोर नॉइज एरिया में आपको बहुत कम सुनाई देगा, सामने वाले को भी नहीं सुनाई देगा TWS ईयरबड से, आपको तो सुनाई देगा लेकिन सामने वाले को बहुत नॉइज आने वाला है। लेकिन TWS के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे जो माइक होता है ना ये आपके एकदम मुंह के पास होता है, जब आप इसको कान में लगाते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपका जो माइक होता है एकदम मुंह के पास होता है, तो इजिली बात हो जाती है, सामने नॉइज भी ज्यादा नहीं जाती है, तो ये एक अच्छी चीज होती है। लेकिन TWS यानी ईयरबड का माइक आपके मुंह से बहुत दूर होता है और नॉइज को काफी ज्यादा कैप्चर करता है, तो यहाँ पे नॉइज काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। वहीं पे नेक बैंड में ऐसा नहीं होता, आपके मुंह के पास होता है तो कोई इशू होता नहीं। लेकिन अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपए के ऊपर के ईयरबड्स लेते हो तो वहां पे आपको कॉल क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, मार्केट प्लेस में नॉइजी एरिया में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की, किसमें आपको बैटरी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, नेक बैंड में या TWS ईयरबड्स में। तो नो डाउट यार TWS ईयरबड्स की बात करें तो यहां पे जो बैटरी बैकअप में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं पे नेक बैंड में आपको 15 घंटे 20 घंटे 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि TWS ईयरबड्स के साथ जो 50 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है वो केस के साथ होता है, यानी कि आपका ईयरबड 50 घंटे एक सिंगल चार्ज से नहीं चलेगा, मल्टीपल चार्जेस से केस के साथ 50 घंटे चलता है। तो सिंगल चार्ज में आराम से जो 5 से 6 घंटे का बैकअप इनमें मिलता है, जो एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको जो केस में बार बार चार्ज करना पड़ेगा फिर आप यूज कर पाओगे उसका 50 घंटे। वहीं पे नेकबैंड के साथ ऐसा नहीं है, नेकबैंड एक सिंगल चार्ज में आपको 15 से 30 घंटे तक का बैकअप देते हैं, जो एक सिंगल चार्ज में होता है। बट यहाँ पे है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग आजकल आपको TWS ईयरबड्स में भी मिलने लगी है और नेकबैंड में भी मिलती है। तो TWS ईयरबड्स में अगर आप 10 मिनट में चार्ज करते हो तो 2 से 2.5 घंटे 4 घंटे किसी में ऐसे बैकअप मिल जाता है एक सिंगल 10 मिनट चार्ज करने पे। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको क्या ज्यादा सूटेबल लगता है, आपके लिए क्या ज्यादा सही है। 10 मिनट में चार्ज करके वापस से यूज कर सकते हो तो TWS भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं मुझे 15 20 घंटे 30 घंटे का बैकअप एक साथ चाहिए तो आपको नेक बैंड की तरफ जाना चाहिए। तो पांचवा पॉइंट, अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो यहां पे साउंड क्वालिटी में आपको दोनों में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही नेक बैंड या ईयरबड्स सब आपको अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है क्या ड्राइवर लगा हुआ है, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है साउंड की, तो वहां पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में ही इक्वल टाइप की है जो आपको साउंड क्वालिटी देने को मिलती है। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी के हिसाब से चूज करना है तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन सा होगा, TWS ईयरबड या नेक बैंड। तो यार देखो यहाँ पे है जो 2024 आ चुका है और TWS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज देख रहे होगे आप भी TWS ईयरबड्स को ज़्यादा ही लॉन्च कर रही हैं, नेक बैंड बहुत कम लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि TWS ईयरबड्स का क्रेज ज़्यादा है और यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है और बजट सेगमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है कि आपको अच्छी कॉल क्वालिटी वगैरह दी जाए। तो यहाँ पे जो मैं साफ साफ कहूँगा कि अगर आपका बजट है 2000 रुपए के अंदर का, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो यार यहाँ पे अभी ये जो अच्छी कॉल क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ जाना है, अच्छा बैटरी चाहिए, तो नेक बैंड की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप खर्च कर सकते हो 2 से 3 हज़ार या उसके ऊपर, तो आपको TWS ईयरबड्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यार ट्रेंड भी यही है और आज के टाइम पे इसी का क्रेज है। तो वैल्यू फॉर मनी भी मैं कहूँगा यहाँ पे आपको TWS ईयरबड मिलता है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो कंक्लूड करते हैं इस पूरे वीडियो को। यहाँ पे आपको सीधी सी चीज़ें आप समझनी है भाई, अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए, अगर आपको है जो बहुत कन्वीनियंट चाहिए कि भाई आपने सीधे कान में लगाया और यूज़ किया वापस से इसको बंद कर दिया, इस तरह का फीचर चाहिए तो आपको नेक बैंड के साथ जाना चाहिए, केस वेस कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको केस के साथ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉम्पैक्ट है, आपको इससे कोई इशू नहीं है और आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप कोई दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी आपको देने को मिल जाती है, दोनों में ही मिल जाती है, तो 5 से 6 घंटे में आप सफिशियंट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह का कोई वायर नहीं चाहिए, फुल ट्रूली वायरलेस एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको TWS ईयरबड्स की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अच्छी कॉल क्वालिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर, तो वहाँ पे 2000-2500 के ऊपर के ही जो TWS होंगे वहाँ पे वो एक्सपीरियंस आपको देने को मिलता है, और आपका बजट भी 2000 के ऊपर का है तो आप TWS के साथ जा सकते हो। एंड लास्ट एक चीज और है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए, वो है सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।